शेमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मेरा पहला बदला पूरा हुआ श्रद्धा, मैंने तुम्हारे सुहाग को तुम्हारी नजरों के सामने मिटा दिया। खबरदार रागिनी, कुछ नहीं होने दूंगी मैं अपने पति को। ये तुम्हारा भ्रम है श्रद्धा, जो कुछ ही देर में टूट जाएगा। चलो राजू, यहाँ हमारा काम हो गया। अभय, अभय आगे खोलिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। क्या करूं? हे भगवान, फोन तो भी अभी स्विच ऑफ होना था। अभय, अभय उठिए प्लीज। जल्दी करो, इससे पहले कि पुलिस आ जाए हमें यहाँ से निकलना है। रागिनी, फिक्र मत करो, मैंने एयरपोर्ट जाने से पहले सारा इंतजाम कर लिया है। आज हम लंदन के लिए रवाना हो ही जाएंगे। चलो। तुम लोग बिना परमिशन के अंदर कैसे घुसे तुम लोग? और ये पुलिस यहाँ क्या कर रही है? अभय कहाँ है रागिनी? हमसे क्या पूछ रही हो? हमने ठेका ले रखा है क्या? पीछे हटो यहाँ से, एयरपोर्ट के लिए लेट हो रहा है हमें। राज, जब तक मुझे मेरा भाई नहीं मिलता, हमारी नजरों से दूर नहीं होने देंगे हम तुम दोनों को। पीछे हट। इंस्पेक्टर, इन लोगों को बोलो कि अपनी हद में रहे। मिस्टर वरुण सही कह रहे हैं। मिस्टर मिशन सिंघानिया, आप दोनों के ऊपर अभय त्रिपाठी जी के अपहरण का इल्जाम लगा हुआ है, तो आप जब तक वो नहीं मिलते हैं या उनका बयान नहीं आ जाता है, आप दोनों ये शहर छोड़कर नहीं जा सकते। क्या बकवास है, बिना किसी सबूत के आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं खुद कमिश्नर को फोन करती हूँ, देखती हूँ मुझे कौन रोकता। तुम्हारी इतनी हिम्मत तो तुमने अभी तक देखी नहीं है रागिनी। अगर हमारी दीदू और अभय को कुछ हुआ ना, तब देखोगे तुम हमारी हिम्मत। सीधे सीधे बता, कहाँ है मेरा बेटा? कहाँ ना हमें नहीं पता, मरा पड़ा होगा कहीं पे। ससुर जी संभालिए। राज, इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको सब सच सच बताना चाहता हूं। मेरी ये बहन रागिनी सिंघानिया और उसके ये मौत के मुंह से बाहर आए पति राज सिंघानिया ने मेरी बीवी को मारने की कोशिश की, और मेरी बीवी के बड़े भाई अभय का अपहरण करके इन्होंने पता नहीं क्या किया। इंस्पेक्टर साहब, इससे पहले ये शहर छोड़ के भाग जाए, आप इन्हें गिरफ्तार कर लीजिए। कितना मानता था मैं दी आपको, अपनी बीवी के ऊपर मैंने आपको चुना, और आप
इतना गिर गई आप थी। भागने का कोई फायदा नहीं है थी, चुपचाप जेल जाइए ताकि मैं आपको बाहर निकाल सकूं। इंस्पेक्टर साहब ले जाइए इन्हें, मैं पुलिस स्टेशन में आके अपना बयान दे दूं। गिरफ्तार करें दोनों को, लेकर जाओ। इंस्पेक्टर वरुण जी, अभय और दीदू यहाँ भी नहीं है, पता नहीं कहाँ होंगे, हमें ना बहुत डर लग रहा है। हे भगवान, मेरे बेटे और बहू की रक्षा कर लो। की लकीरें जिन्हें मेरी जिंदगी में लेकर आई, माता रानी मेरी मदद कीजिए कि मैं उन्हें बचा पाऊं। मुझे हिम्मत दीजिए कि मैं अपने सुहाग को बचा पाऊं। माता रानी नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि श्रद्धा और अभय यहीं कहीं पे। अभय, हे भगवान, कहीं ये खून अभय का तो नहीं? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अभय, श्रद्धा, श्रद्धा, ये ब्रेसलेट तो जाना पहचाना सा लग रहा है। यहाँ पर यही एक सबूत, पता लगाना होगा कि ये किसका है। अरे क्या हो मैडम, जल्दी से प्लीज स्ट्रेचर मंगवाइए, डॉक्टर को बुलाइए, मेरे पति का पल्स फूट गया। बट बॉय, अरे स्ट्रेचर लेके आओ। आराम से, आराम से, ला जल्दी। लगी ना जल्दी, जल्दी लगी ना, आराम से। डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाइए, डॉक्टर, 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 प्लीज जल्दी से मेरे पति को देखिए, बहुत खून बह गया, प्लीज प्लीज जल्दी देखिए उन्हें, प्लीज। इन्हें जल्दी से अंदर लेके जाओ। प्लीज डॉक्टर। क्या हुआ इनके साथ, एक्सीडेंट हुआ है क्या? और आपकी हालत भी ठीक नहीं लग रही। मैं बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर, मुझे कुछ नहीं हुआ है, प्लीज मेरे पति को देखिए, कुछ गुंडों ने इन्हें बेरहमी से मारा है, देखिए ना कितना खून बह गया है, प्लीज उनकी मदद कीजिए, इन्हें बचा लीजिए प्लीज डॉक्टर। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे मैम, आप चिंता मत कीजिए। सिस्टर, इन्हें ऑपरेशन थिएटर में लेके चलिए जल्दी। प्लीज मुझे गार्जियन फोन कॉल करने दीजिए। हाँ कर लो कॉल। अभय और श्रद्धा त्रिपाठी, किसी का भी फोन ट्रैक हुआ? ठीक, जल्दी सी डिटेल भेजो मुझे। इतनी देर हो गई है, दोनों का कुछ पता नहीं चल रहा, ये राज और रागनी उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, राज और रागनी अभी पुलिस की कस्टडी में, पूछताछ जारी है, वो दोनों अभी कुछ भी नहीं कर सकते। श्रद्धा जी और अभय जी सेफ है, उन्हें चोट नहीं पहुंचाएगी। हेलो, अभय का ऑपरेशन? श्रद्धा देखो तुम शांत हो जाओ, हम सब अभी आ रहे हैं वहां पे।
चाचू, चाचू वो अभय को, अभय की हालत बहुत खराब, डॉक्टर्स उसे ऑपरेशन थिएटर में लेके गए, हमें अभी के अभी हॉस्पिटल जाना होगा। हे भगवान, मैं तनुजा जी को क्या बताऊंगा? चाचा जी, घर वालों को तो बताना ही पड़ेगा, हम उनसे सच्चाई नहीं छुपा सकते। माता रानी, अभय को कुछ नहीं हुआ, उन्हीं की दिव्य शक्ति से तो हम हॉस्पिटल पहुंच पाए। वो सब ठीक कर देंगी, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। श्रद्धा, कहाँ है अभय जी? क्या हो गया मुझे? क्या हो गया अभय को? अभय ऑपरेशन थिएटर में है मम्मी जी, उनकी हालत बहुत खराब है। अभय का बहुत खून बह गया है मम्मी जी, वो शाहज शाह की नहीं हुआ, और उन दोनों के वो गुंडे, उन्होंने मिलकर अभय पर बहुत बेरहमी से लोहे के रोड से हमला किया है। उनकी हालत बहुत खराब है, वो मिलकर उनकी जान लेना चाहते थे। ऐसे राक्षसों को आप खुले आप कैसे छोड़ सकते हैं? रागिनी और राज ने हमेशा कोई ना कोई कांड किया, इस बार आप उन्हें जेल की चक्की पिसवाई, उन्हें सजा दिलवाई। देखिए, आप फिक्र मत कीजिए, हमारी तहकीकात चल रही है, उन अपराधियों को हम सजा जरूर दिलाएंगे। त्रिपाठी, मैं आपसे झूठ नहीं कहूंगा, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी ने बहुत बुरी तरह से उनके सर पे लोहे के रॉड से मारा है। हमने खून बंद करने के लिए पट्टी तो कर दी है, लेकिन सर के अंदर के घाव इतने गहरे हैं कि ऑपरेशन ही अंतिम विकल्प है। क्या कह रहे हैं? सर का ऑपरेशन? जी, वाकई में पेशेंट की हालत बहुत खराब है, और मैं आप लोगों से एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं, बहुत बड़ा ऑपरेशन, इसमें खर्चे भी बहुत जाएंगे, और ऑपरेशन के बाद भी इलाज काफी दिनों तक चलेगा, उसके बाद भी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं हो। आप खर्चे की चिंता मत कीजिए डॉक्टर, बस कुछ भी करके मेरे भाई को बचा लीजिए प्लीज। देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन मैं अपनी बात फिर से दोहराता हूँ कि ऑपरेशन के बाद भी बचने के चांसेस कम है, इसलिए जो भी फैसला लेना है जल्दी करें कि हमें ऑपरेशन करना है या नहीं। देखिए, हम जानते हैं कि यह फैसला बहुत बड़ा है, लेकिन हमारे पास बहुत समय भी नहीं है, अगर हमें ऑपरेशन करना है तो उसकी तैयारी अभी से शुरू करनी होगी, इसलिए आप लोग फैसला करके बताइए कि हमें ऑपरेशन करना है या नहीं। आती है मुझे अपने आप को रागिनी सिंघानिया का भाई कहते, सांड नहीं जानवर है वो, कितनी बेरहमी से उसने मारा है अभय भैया को, किसी ने मौत के मुंह में पहुंचा दी। चुप, एकदम चुप, अभय को कुछ नहीं होगा, सुना तुमने, कुछ नहीं होगा अभय को। डॉक्टर साहब, आप जल्दी से जल्दी ऑपरेशन की तैयारी शुरू कीजिए, मुझे पूरा यकीन है अब ये लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे भी, उन्हें कुछ नहीं होगा, अब ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब जल्दी से ऑपरेशन की तैयारी शुरू कीजिए डॉक्टर प्लीज। ठीक है मिसेस त्रिपाठी, सिस्टर इनसे कॉन्सेंट फॉर्म पे साइन ले लीजिए। यस डॉक्टर, एक्सक्यूज मी मैम। मैम, सर्जरी के परमिशन के लिए आपको इस पेपर पे साइन करना होगा।
श्रद्धा बेटा मैम प्लीज थोड़ा जल्दी करिए, अगर आप साइन नहीं करेंगे तो डॉक्टर ऑपरेशन शुरू नहीं कर सकते, प्लीज। माता रानी, आज अभय को आपके आशीर्वाद की सबसे ज्यादा जरूरत है, सब ठीक कीजिएगा, अभय को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, अभय को कुछ नहीं होगा। सॉरी श्रद्धा, आज तो माता रानी भी तुम्हारे सुहाग को नहीं बचा पाएंगी, उल्टा अब तो अभय सीधा साक्षात माता रानी के ही दर्शन करेगा। इनको अगर ब्लड नहीं चढ़ाया ना तो इनकी हालत और खराब हो जाएगी, आप एक काम करो ब्लड अरेंज करो जल्दी। सिस्टर, मेरा भाई कैसा है? देखिए पेशेंट के बारे में मैं ज्यादा जानकारी अभी आपको नहीं दे सकती, उनका काफी ब्लड लॉस हो गया है जिसकी वजह से हमें तुरंत ब्लड चढ़ाना होगा, वरना ऑपरेशन में दिक्कत आ सकती है। सिस्टर मेरा खून ले लीजिए ना, अभय और मेरा खून एक ही है, ओ नेगेटिव। सर आपकी मेडिकल कंडीशन कैसी है? हाल ही में आपने कोई ऑपरेशन कराया हो? ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या हार्ट की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? सिस्टर पापा जी को हार्ट की प्रॉब्लम है। सॉरी सर, तब हम आपका ब्लड नहीं ले सकते, और वैसे भी आपकी एज भी काफी है। आपकी फैमिली में कोई और है सेम ब्लड ग्रुप का? कोई बात नहीं, हम कुछ इंतजाम करते हैं। ठीक है, पर थोड़ा जल्दी करिए, तब तक मैं भी ब्लड बैंक से पता करती हूँ। ओके बेटा, तू चिंता मत कर, हमारे जानने पहचाने वाले बहुत, कुछ ना कुछ हो जाए। हेलो, हाय यार सुन, तू किसी को जानता है जिसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव हो? किसी से भी पूछ, अपने आसपास पूछ, अपने दोस्तों से पूछ, अगर किसी का भी ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है तो बता मुझे, मेरा भाई हॉस्पिटल में बहुत सीरियस है, प्लीज यार। तनुजा, आपका तो माता रानी पे इतना भरोसा है, आप चिंता मत कीजिए, हमारे अभय को कुछ नहीं होगा। भाभी भरोसा रखिए, कोई ना कोई फरिश्ता जरूर आएगा हमारे अभय को बचाने के लिए। बाकी के ब्लड बैंक में भी चेक करो, ओ नेगेटिव फास्ट। आप में से किसी को मिला ब्लड? क्योंकि इस हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में लास्ट ओ नेगेटिव का पाउच है। जी सिस्टर, वो मेरा एक फ्रेंड है, उसका ब्लड ग्रुप भी ओ नेगेटिव है, वो बस आता ही हो। ठीक है, पर उनको बोलिए थोड़ा जल्दी आए, पेशेंट की पल्स गिरती जा रही है, उन्हें जल्दी से जल्दी ब्लड चढ़ाना होगा, नहीं चढ़ाया तो उनकी जान को खतरा हो सकता है, उन्हें बचाना बहुत मुश्किल हो सकता है। जी वो बस पहुंच ही रहे। प्लीज फास्ट।
मुश्किल की घड़ी में आपने हमारा साथ दिया है माता रानी। आपका ये साथ हमारे ऊपर ऐसे ही बनाए रखिएगा। आज मेरे पति की जिंदगी दांव पर लगी है, उनका साथ मत छोड़िएगा। मैं आपके सामने अपनी झोली फैलाकर अपने पति की जिंदगी की भीख मांगती हूँ। मुझे बचा लीजिए माता रानी। अपने पति सत्यवान को बचाने के लिए सावित्री यमराज से लड़ गई थी, क्या तू अपने पति को बचाने के लिए अग्नि परीक्षा दे पाएगी? बोल, क्या ये तपस्या कर पाएगी अपने पति की सांसों के लिए? अपने पति की जिंदगी की रक्षा के लिए आप जो तपस्या कहेंगे मैं वो करूंगा। हमें कितना इंतजार करना पड़ेगा? अरे हमारा बेटा हमसे मिलने के लिए तरस रहा होगा। अबे ठीक तो है ना? वो क्या है बताइए ना। अरे बोलिए ना डॉक्टर। अभय की सांसें चल रही हैं। फिर बात क्या है? मिस्टर अभय कोमा में चले गए। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।